नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा उपस्थित हूँ एक बहुत अहम विषय लेकर। विषय है बढ़ता हुआ प्रोस्टेट। पुरुषों के लिए एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। 40 साल से उम्र जैसे ही ज़्यादा होती है, 40 साल से जैसे ही उम्र बढ़ना चालू होती है, एक ऐसी समस्या जो लगभग बहुत ज़्यादा तादाद में आज हो जा रही है पुरुषों में। ऐसा माना जाता है कि लगभग 75 साल से ज्यादा उम्र अगर कोई जी रहा है तो 90% चांसेस होते हैं कि प्रोस्टेट उसको जरूर हुआ होगा। ये प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जिसका काम है वो सिर्फ एक छोटा सा काम है उसका। एट द टाइम ऑफ इजैक्युलेशन ये एक तरल पदार्थ सिक्रेट करती है, जिस तरल पदार्थ के माध्यम से शुक्राणु टेस्टिस से निकल करके बाहर आते हैं। इस प्रोस्टेट का काम क्या है? इस प्रोस्टेट का सिर्फ एक ही काम है, टू लिक्विफाई द प्रोसेस ऑफ इजेक्युलेशन। इजेक्युलेशन के टाइम पर जब स्पर्म निकल के बाहर आना है तो उस स्पर्म को लिक्विफाई करके एक लिक्विड मटेरियल, एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाना ताकि वो इजीली यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर आए। यूरेथ्रा को इसने सराउंड कर रखा है इस तरीके से। मान लीजिए यूरेथ्रल ओपनिंग जो है, उस यूरेथ्रल ओपनिंग पर यूरेथ्रा जहां चालू हो रहा है ब्लैडर से, उसके ठीक ऊपर वाले भाग पर इस तरीके से प्रोस्टेट बना हुआ है। ग्रंथि ने यूरेथ्रा को इस तरीके से ऊपर से कवर कर रखा है, सराउंड कर रखा है। तो जब ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये यूरेथ्रल जो ओपनिंग है, जो यूरेथ्रल नली है, मूत्र नली जिसको बोला जाता है, जब साइज बढ़ेगा इसका तो ये मूत्र नली को दबाना चालू करेगी। और जैसे ही ये प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र नली को दबाना चालू करती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि यूरिन का फ्लो जो है वो कम होना चालू हो जाता है। एक बार में यूरिन अच्छे तरीके से पूरा पास नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने द्वार को ही पूरा रोक के रखा हुआ है। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा ब्लैडर पर, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगा के थोड़ा बहुत यूरिन निकलेगा, और जैसे ही प्रेशर जो ग्रेडियंट कम होगा, यूरिन फिर से रिटेन होना चालू हो जाएगा। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन इसका एक विशेष लक्षण होता है। एक बार में पूरा यूरिन पास नहीं हो पाएगा, बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं ऐसे समय में, पहले आपका जो स्ट्रीम है, जो धार है यूरिन की, वो वीक रहेगी, कमजोर धार रहेगी। आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा यूरिन जाने के लिए। आपको ऐसा लगेगा आपको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, कभी कभी पेन भी होता है, और कभी कभी तो इतना तक होता है कि पेन के साथ साथ ब्लड भी आ जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम सेकेंडरी पैथोलॉजी के लिए जा सकते हैं कि कहीं कोई UTI या फिर प्रोस्टेटो मैगेलीज के साथ साथ कहीं कोई सिस्टाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो ये लक्षण होते हैं। रात को ज्यादातर दो से ज्यादा बार यूरिन के लिए जाना पड़ जाए। वैसे तो ये है कि रात को ज्यादा बार यूरिन जाने का एक और कारण होता है कि रात को ज्यादा पानी पिया जाए। किसी को प्रोस्टेट की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद ही उन्होंने अगर 2 लीटर पानी पिया है तो निश्चित तौर पर यूरिन उनको जाना ही पड़ेगा रात को भी। लेकिन जो लोग ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं शाम के बाद, वो भी अगर रात में 2 बार से ज्यादा यूरिन जाए तो ऐसा मान लिया जाता है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि जो है वो बढ़ी हुई है। इस प्रोस्टेट की बढ़ी हुई ग्रंथि को क्या बोला जाता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीसिया। हाइपरप्लीसिया का मतलब होता है जहां नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं? ये ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब हम ये देखें कि वॉल्यूम जो प्रोस्टेट का है वो अगर 30 ml से, 30 cc से ज्यादा होना चालू होता है, तब हम इसको Grade 1 प्रोस्टेटोमेगाली बोलना चालू कर देते हैं। इस प्रोस्टेट के होने के कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है इतना? बहुत समय पहले की बात नहीं है, आज से अगर हम 20 साल पहले की हिस्ट्री देखें तो प्रोस्टेट इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। अब तो 40 साल की उम्र के बाद हर दूसरे आदमी को प्रोस्टेट की समस्या है, और चूंकि ये मेल की ही समस्या है तो ऐसा माना जाता है कि 40 साल के बाद एक स्ट्रेस
आ जा रहा है दिमाग में कि कहीं प्रोस्टेट ना हो जाए, अगर यूरिन बार बार जा रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेन लग रहा है, कुछ भी सेकेंडरी रीजन है तो प्रोस्टेट का दिमाग में जरूर आ रहा है। तो इसके लिए अब हम देखें कि प्रोस्टेट के होने के रीजन क्या क्या है। रीजन है हमारी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, हम जो व्यायाम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, खून के संचार में पूरे शरीर में ही, आप देखते हैं घर में जिस कोने में हम रोज झाड़ू नहीं लगाते हैं उस कोने में गंदगी जमा होना चालू हो जाती है, जिस कोने में हम जाला नहीं लेते हैं वहां जाले लगना चालू हो जाते हैं। तो रेगुलर सफाई की आवश्यकता है, रेगुलर जहां लोगों का आना जाना रहे वहां गंदगी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहुत प्रॉपर तरीके से चलता रहता अगर, तो ये बहुत कॉमन समस्याएं जो आजकल ज्यादा परेशान कर रही हैं शायद नहीं करती। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बहुत खा रहे हैं व्यायाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, काम हमारे पास है नहीं करने को, तो ये कारण है। एक कारण होता है, आप ये देखते हैं कि लगभग 40 साल 45 साल की उम्र तक टेस्टिस प्रॉपर तरीके से, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी भी सेकेंडरी रीजन की वजह से किसी ने टेस्टिस निकलवा दिए, टेस्टिकटोमी जब बोलते हैं कि टेस्टिस को निकाल करके बाहर जब कर दिया जाता है, ऑर्किडक्टोमी बोलते हैं इसको, तो ऐसे कंडीशन में फिर उसको अगर वो 40 साल की उम्र में ही किसी ने टेस्टिस निकलवाए हुए हैं तो फिर 50 साल 60 साल की उम्र तक फिर उसको प्रोस्टेट की समस्या नहीं होती है। तो अब हमें ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि रीजन हमारी है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को जिस तरीके से हम सही कर देंगे निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फायदा देगी। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट में हम मूल रूप से जहां हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा कैसे भी करके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कराना। अगर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कराना है तो हमें कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती है प्राणायाम। आप टहल सकते हैं, आप अगर जॉगिंग कर सकें तो जॉगिंग कर सकते हैं, जो लोग सूर्य नमस्कार जानते हैं वो सूर्य नमस्कार कर लें, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक जगह पर बैठ करके प्राणायाम तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसानी से प्राणायाम हो जाते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है, कपालभाति है, ये सारे प्राणायाम आप आराम से कर सकते हैं और बहुत बढ़िया आपको आराम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि हम लोकल ट्रीटमेंट कौन सा कर सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है पेट के निचले वाले हिस्से पर गर्म ठंडा सेक। गर्म ठंडा सेक अगर हम प्रोस्टेट के रीजन पर करेंगे तो निश्चित ही हमको प्रोस्टेट में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। 2 मिनट गर्म पानी की थैली से गर्म और 1 मिनट गीले कपड़े से ठंडा, 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, फिर 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 5 बार रिपीट करके 15 मिनट का ये प्रोसेस है। जब हम इसको प्रोस्टेट के रीजन पर पेट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पर करते हैं तो निश्चित ही प्रोस्टेट पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, प्रोस्टेट की कार्यक्षमता जो है वो बढ़ती है, वहां पर जो हाइपरप्लीसिया हो रहा था वो रुकना चालू होता है और प्रोस्टेट की ग्रोथ जो एकदम से बढ़ करके यूरेथ्रल ओपनिंग को रोक रही थी, दबा रही थी, वो धीरे धीरे करके रिलीज होना चालू होती है। आपको यूरिन में जो डिफिकल्टी आ रही थी वाइल यूरिनेशन वो कम होना चालू हो जाती है। तो ये तो हो जाती है ट्रीटमेंट की बात, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कोई भी घर में इजीली कर सकता है। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो गर्म ठंडा कटी स्नान भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही फायदा करेगा। गर्म पाद स्नान भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है जो आपके पूरे शरीर में खून का बहाव जो है ना, जब गर्म पानी में पैर डालते हैं तो पूरा खून नीचे की तरफ जाता है, पैर जैसे ही निकालते हैं दोबारा से रिवर्सल होता है उसका, तो ये ट्रीटमेंट भी बहुत इजीली घर में किया जा सकता है। बात आती है हम ऐसा और कौन सा उपचार है जो करें उससे हमको प्रोस्टेट में बहुत अच्छा आराम मिले, तो फिर आती है बात यौगिक उपचार की। यौगिक उपचार में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो प्रोस्टेट की ग्रोथ को रोकने का काम कर सकती है और जो ग्रोथ हो गई है उसको कम करने का काम करे। सबसे पहला होता है आप प्रोस्टेट के लिए आसन में जाएंगे तो आसन में एक पाद पवन मुक्तासन, सीधे लेट करके एक पैर को उठाया, घुटने से मोड़ा, दोनों हाथों से घुटने को सीने पर लगाया, सीने पर लगा के रखा, 10 तक गिना, जब 10 पूरे हो जाए तो रिलीज कर दिया, एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से इसी तरीके से अल्टरनेटली 3 से 5 बार एक पैर से दोनों पैरों से इसको दोहराना है। एक बहुत ही अच्छा आसन है जो लोअर एब्डोमेन पर एक्टिवेशन का इफेक्ट डालता है, अच्छा आसन है।
दूसरा आसन होता है मरकटासन, सीधे लेट करके दोनों, ये बहुत इजीली किए जाने वाले आसन है। आसन बहुत सारे होते हैं, अब मयूरासन में बता दूं, मयूरासन होगा ही नहीं, जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कितने कर सकते हैं? बहुत सारे कहेंगे कि नहीं मयूरासन हम तो कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं? इलाज ऐसा बताया जाए जो इजीली हो जाए, तो राजा रानी आसन जिसको मरकटासन भी बोला जाता है, सीधे लेटे, दोनों घुटने मोड़ लिए, तलवे जमीन पर रखे, दोनों हाथ इस तरीके से फैलाए, अब घुटने इधर ले जाने हैं और गर्दन इधर, फिर घुटने इधर लेके आने हैं और गर्दन इधर, ये आपके रीढ़ को टॉर्क मूवमेंट पर ले जाने का काम करता है, ये रीढ़ की ट्विस्टिंग एक्सरसाइज मानी जाती है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इसको कर सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो करने को तो हम पश्चिमोत्तानासन एक बहुत अच्छा आसन है जिसको किया जा सकता है, जानुशीर्षासन बहुत अच्छे आसन है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा इन आसन के, बहुत आसानी से जो आसन किए जा सकते हैं उनका आप अभ्यास कर लें। प्राणायाम की बारी जब आती है तो प्राणायाम में टू एक्टिवेट कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन, उसके लिए डीप ब्रीदिंग सबसे बढ़िया है, दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे 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 करके छोड़ना, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है, बहुत अच्छा फायदा करवाता है। कपाल भाति चूंकि क्रिया है तो कपाल भाति क्रिया में तीन क्रियाएं होती है, वातक्रम, व्योतक्रम, शीतक्रम। तो वातक्रम जिसको हम कपालभाति प्राणायाम के नाम से मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं, तो वातक्रम जिसमें पेट को धक्का मार के सांस को बाहर फेंका जाता है, ये वाली क्रिया अगर हम करते हैं, लोअर एब्डोमिनल कपालभाति जिसको हम बोल सकते हैं स्वाधिष्ठान चक्रशुद्धि, चक्रशुद्धि कपालभाति की तरफ चलेंगे तो स्वाधिष्ठान चक्रशुद्धि कपालभाति जिसमें निचला पेट पूरा दबेगा सांस को बाहर छोड़ते समय, ये कपालभाति बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा फायदा होगा इससे। इसके बाद बारी आती है बंध की, तो बंध में मूल बंध और दूसरे नंबर पर उद्यान बंध बहुत ही अच्छे बंध हैं। इस मूल बंध और उद्यान बंध का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। मूल बंध का मतलब होता है श्वास को भरा, पूरी श्वास को भरा, सीने को पूरा फुलाया, श्वास को भरते गए और धीरे धीरे करके भरी हुई श्वास को छोड़ना है। पूरी श्वास जब छूट जाए तो आपको एनल स्फिंक्टर मसल जो है उनको खींच देना है, पूरा जोर से ऊपर की तरफ खींचना है, एनल लॉक बोला जाता है इसको। ये जो है ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके पाइल्स की समस्या, फिसल्स की समस्या, आपको हेमोरॉइड्स अगर हो रहे हैं वो समस्या, इसमें बहुत अच्छा रिलीफ होता है। और चूंकि ये जब आप एनल लॉक कर रहे हैं तो यूरिनरी स्फिंक्टर भी इसमें खिंचेगा, तो यूरिनरी स्फिंक्टर खिंचेगा निश्चित तौर पर, यह एक्टिवेशन का इफेक्ट डालेगा आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर, तो प्रोस्टेट में भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। दूसरा बंध होता है उद्यान बंध। उद्यान बंध का मतलब होता है आपका ये जल प्रदेश जो है, जिसमें आपको मूल बंध तो नीचे का था, उद्यान बंध में आपको यूरिनरी स्फिंक्टर पूरा और पूरा का पूरा पेरिनियल रीजन जो है वो अच्छे तरीके से आपको स्क्वीज करना है श्वास को बाहर छोड़ते समय, ये हो जाएगा उद्यान बंध। उद्यान बंध में सामान्य तौर पर एब्डोमिनल लॉक भी कर दिया जाता है, पूरे पेट को खींच करके रख दिया जाता है और नीचे की तरफ से पूरा खींच के रखना है, एनल लॉक अलोंग विद एब्डोमिनल लॉक। अगर दोनों हो जाते हैं तो मूल बंध और उद्यान बंध दोनों का अभ्यास एट द सेम टाइम एक ही बार में आप कर लेते हैं तो बहुत ही इफेक्टिवली आपको बहुत अच्छा आराम मिल सकता है। तो ये तो है बंध। इसके अलावा मुद्राओं में देखते हैं तो वज्रोली मुद्रा बहुत अच्छी मुद्रा है, इसके लिए बहुत अच्छा फायदा देती है। इसके साथ में अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइजेज में कुछ कीगल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, महिलाओं में सामान्य तौर पर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस महिलाओं में जो प्रॉब्लम है वो प्रोस्टेट की वजह से नहीं होता, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड ही नहीं होती, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो प्रोस्टेटोमेगैली में मेल्स में होता है, वही यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फीमेल्स में ब्लैडर की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से या फिर जो यूरिनरी स्फिंक्टर है उसकी मसल्स की कमजोरी की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, उस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को रोकने के लिए जो व्यायाम कराया जाता है कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस में बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, आप इसको यूट्यूब पर सर्च करके उसका फॉलोअप कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएंगी एक्सरसाइजेस। अब बारी आती है कि हम कुछ ऐसा खाने पीने में कुछ कर सकते हैं जिससे प्रोस्टेट में आराम मिले, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो मूत्रल होती हैं, डायूरेटिक जो हैं, वो आपके प्रोस्टेट में काम करेंगी, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ती है तो जो मेडिसिन हमको दी जा रही है वो मेडिसिन, एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो बढ़ी हुई ग्लैंड को कम करने का काम करे। आप जितनी भी मेडिसिन दी जाती हैं, आप एल्फू देख लो, डायटोर है, यूरिमैक्स है, लेसिक्स है,
तो ये सारी की सारी मेडिसिंस जो हैं ये आपके यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए हैं, जो आपके लिए जो मूत्रल होते हैं, डायोरेटिक्स जो हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिन निकलवाएं शरीर से, वो मेडिसिंस हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिन निकलवाने का काम जो करेंगी मेडिसिंस, वो क्या कर रही हैं, एक तो आपको जो बार बार यूरिन जाना पड़ रहा था, आप उस बार बार यूरिन जाने की वजह से जो परेशान हो रहे थे, वो यूरिन जो रिटेन हो रहा था वो तो आपने निकाल दिया, लेकिन बड़े हुए प्रोस्टेट को किसने कम किया, नहीं होता है। लेकिन ये जो व्यायाम है, ये जो प्राणायाम है, ये जो बंद है, ये अगर अच्छे तरीके से फॉलोअप पर रहेंगे तो निश्चित तौर पर प्रोस्टेट, बड़े हुए प्रोस्टेट में ही आराम मिल जाएगा आपको। आप जड़ से ही समस्या को खत्म कर देंगे तो आपकी समस्याओं के कारण जो हो रहे थे, जो लक्षण आ रहे थे, वो लक्षण तो डेफिनेटली अपने आप ही कम हो जाएंगे, बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो ये तो हो जाता है योग चिकित्सा, उसके पहले हो जा रही थी प्राकृतिक चिकित्सा। आहार चिकित्सा में गोखरू जो है वो बहुत ही इफेक्टिव एक हर्ब होती है, जो डायोरेटिक है, किडनी क्लींजर है, किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनवाएगी, ज्यादा से ज्यादा यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर पर पहुंचाएगी, ज्यादा प्रेशर बनेगा और बार बार करके यूरिन ज्यादा मात्रा में निकलना चालू होगा, तो फिर लोअर एब्डोमिनल एरिया जो है, जहां पर प्रोस्टेट भी लोकेटेड है, प्रोस्टेट ग्रंथि जिसने यूरिनरी एपर्चर को दबा के रखा हुआ है, अब ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से बार बार करके यूरिन निकल के आएगा, तो बार बार इस प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी एक्टिवेशन का इफेक्ट मिलेगा, जो परमानेंट आराम दिलवाने का काम कर सकता है। तो ये जो गोखरू है, गोखरू को गोक्षुरादि क्वाथ के रूप में, गोक्षुरादि काढ़े के रूप में, या फिर गोखरू का पाउडर अवेलेबल हो तो पानी के साथ उसको उबाल के और उसका काढ़ा बना करके उसका उपयोग किया जा सकता है, या गोक्षुरादि गुग्गुल भी आती है आयुर्वेद में, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में जो आप और डायोरेटिक्स हैं, नेचुरल डायोरेटिक्स में क्या क्या आता है, लौकी का जूस है, साबुदाने का पानी है, खीरे ककड़ी का जूस है, नारियल का पानी है, छाछ है, ये सारे नेचुरल डायोरेटिक्स हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप इन चीजों का उपयोग करेंगे, डायोरेसिस ज्यादा से ज्यादा होगा और प्रोस्टेट में परमानेंट आराम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोस्टेट से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो बहुत जरूरी बिंदु हैं वो पूरी कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं, आपकी समस्याओं का निदान पूरे तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।